स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र ने वोल्टा नामक एक इनोवेटिव इलेक्ट्रिक कार विकसित की है। इस कार को विकसित करने में R&D को 10 महीने से अधिक का समय लगा, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को छू सकती है। SVIT वोल्टा का कॉन्सेप्ट भी एक SBIT के स्टूडेंट मोहम्मद जवाद ने तैयार किया है, जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में BTEC 6वें सेमेस्टर में पढ़ता है। प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक विकसित और टेस्ट किया गया है। एक प्रमुख ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ SVIT इस कार के कमर्शियलाइजेशन में भी भागीदार होगा। इस कार का R&D पूरी तरह से SVIT द्वारा फंडिंग किया गया है, जो स्टूडेंट की इनोवेशन और कमर्शियल लॉन्च करने में वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में भूमिका निभाने वाले क्षेत्र का पहला कॉलेज होगा। अर्थ प्रकाश न्यूज के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।